तो गए जब भी आए हैं हम लोग पावर हाउस से। पावर हाउस का मार्केट हमने देखा पहली बार। सो है ना, यहाँ पे ले रहे हैं नैनू के लिए रेगुलर यूज वाले पजामे, क्योंकि यहाँ पे हल्की ठंड है तो पैंट नैनू यूज नहीं करता है। तो नैनू को, नैनू के लिए तो प्यारे प्यारे मिल गए हैं, अभी नीचे यूज कर रहे हैं। नैनू आपको अच्छा लगा? ये बहुत अच्छा है फैब्रिक, 3/4 है ये, अच्छा है बहुत। तो फैब्रिक कितना प्यारा है। तो और हमने ना कुछ साड़ियाँ भी ली हैं बाहर, हम बाहर जाके दिखाएंगे आपको मार्केट। अभी मैन की शॉपिंग चल रही है, लेडीज की शॉपिंग हो गई है। कुछ कुछ मैंने भी लिया है जो दिखाएंगे बाद में। तो इनके पास ना काफ़ी सारे होते हैं। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, मैं भी पहन पाऊंगी ये वाला। लोगों ने फिर मैं भी पहन जी हंसते हैं ना। नहीं ये प्यारा है, देखो बहुत प्यारा है। कितनी प्यारी चप्पल की दुकान दिख गई है मुझे, देखो। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मन पे काबू रखी है मैंने। और ये देखो कितना प्यारा प्यारा है, ये वाले रेगुलर यूज के लिए है। लेकिन नो नो नो, नहीं लेनी, नहीं लेनी, कंट्रोल। चलो ये भी बहुत प्यारी है, देखो कितना मस्त है। तो गाइस यहाँ का मार्केट देख लो कितना प्यारा है, जिसको जो पावर हाउस नहीं है। और यहाँ निकल, यहाँ पे चलना है या फिर कहाँ चलना है? ये देखो एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ ये मार्केट, थोड़ा सा एकदम मस्त मार्केट है। हम पहली बार आए हैं पावर हाउस। अभी हम गर्ल्स की शॉप पे आ गए हैं और यहाँ से देखना गर्ल्स यहाँ पे नैनू का या फिर देखने हैं, मतलब कैसी ड्रेस है पसंद आएंगे। तो ऊपर आ गए हम लोग। आ गए हैं इतनी प्यारी सी शॉप के ऊपर। तो हमें यहाँ से लेना है आंवला का मुरब्बा। और ये देखो कितना प्यारे प्यारे बास्केट है, मस्त लग रहे हैं बहुत, एकदम सुंदर सी शॉप है। माय गॉड, देख के ऐसा लग रहा है कि सारी बास्केट ही ले लेते हैं, बहुत क्यूट है। तो अभी यहाँ से हम लोग लेंगे कुकीज और ड्राई फ्रूट। तो सजे हुए इतने अच्छे लग रहे हैं। ये वाली थाली है ना, दिवाली पे अगर मैं आती तो ये पका ही ले लेती गाइस, लेकिन अब लेट हो गए। तो हमने यहाँ पे लिया है आंवला और ये अंजीर है। निखिल तो अंजीर अच्छा है, रहता है क्या वैसे? देखो दूसरा खुले में भी वैसे भी है और ये वैसे भी है। ये शायद अफगानिस्तान साइड का था। हाँ ये ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा वहीं पे होते हैं नहीं? तो गाइस अगर चूड़ी और कपड़े लेने हैं ना, तो मैं सही बता रही हूँ, इतना प्यारा मार्केट है ना, और बिल्कुल भीड़ भी नहीं है। और माय गॉड साड़ी भी कितना, हाँ शायद दीपावली पे यहाँ भीड़ हो जाते होगे। और साड़ी कितना प्यारा है ना, वो देखो एक से बढ़कर एक ड्रेसेस मुझे। और साड़ी के कलेक्शन बहुत प्यारा है ये, देखो साड़ी बहुत अच्छी है ना, देखो साड़ी कुछ अच्छा है, साड़ी है, बैग्स वगैरह सब बढ़िया है। तो गाइस ऊर्गंजा साड़ी कितना अच्छा है ना, वाह। और कॉटन साड़ी भी कितनी प्यारी प्यारी ली हमने। हमने खैर काफ़ी सारा सामान ले लिया, जो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हर शॉप पे ये बनाना बहुत मुश्किल है। अरे ये गीजर मिलता है यहाँ पे तो। तो हमें है ना गीज़र लेना है अपने रूम के लिए, तो देखते हैं यहाँ पर मिलेगा शायद। तो इनके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, बट शायद हमें गीज़र 10 लीटर का चाहिए, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा देख लेते हैं। और स्ट्रेटनर भी इनके पास रखा है। तो पिंक कलर की लाइट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉफ़ी ब्लेंडर और निखिल ले रहे हैं गीज़र। तो निखिल यहाँ से अपना पूरा काम करके ही ख़त्म, फिर ही जाएंगे। और यहाँ पे ना काफ़ी प्यारी प्यारी सी मशीन लगी है। सो मुझे नहीं पता कि ये किस यूज़ की है, बट मुझे तो ना ये कॉफ़ी मशीन दिख रही है जो मैं देखना चाह रही हूँ, ये वाली है, यही है शायद। हाँ क्या प्राइस है इसका?
ये दिखाएंगे पापा को, यही वाली है। तो गाइस पावर हाउस के पूरे मार्केट में घूम लिया है, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए, काम ही इतना ज्यादा था, सामान भी हाथ में, सामान भी हाथ में था, और इधर थोड़ा बीच से ही ट्रैफिक आ जा रहा था, लेकिन मार्केट ना पावर हाउस बहुत बेस्ट है, मस्त लग रहा, मुझे भिलाई का सबसे बेस्ट मार्केट लगा। और अभी हम यहाँ पे सारी शॉपिंग करके यहाँ पे आए हैं जूस पीने के लिए। हाँ, यहाँ पे ना फ्रूट्स ही फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बस उसके बाद जाएंगे हम। और सबसे मोटा काम तो ये किया कि गीजर ले लिया, और आज प्रेस है ना हमारा ब्लास्ट हो गई थी नैनो की ड्रेस की, प्रेस करते करते पुरानी हो गई थी, उसका तार खराब हो गया था, और थोड़ी अच्छी ब्रांड की नहीं थी, तो इसलिए आज मैं चिपकती बची, अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाया, मेरे को तो पता ही नहीं था। मुझे पता है। अब लगती। तो गाइस हम काफी सारा सामान लिए हैं, लेकिन मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान लिया है हमने। अच्छा है यहाँ का, तो वो बोलते भी नहीं है कि दिखाते। तो ठीक है, जूस पी के चलते हैं, और उसके बाद मैं घर जाके आपको आज पक्का सामान दिखाऊंगी, ठीक है। मस्त है लेकिन पावर हाउस का मार्केट बहुत अच्छा है ना, अमरूद मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं जो मैं लेना चाह रही हूँ, और फ्रूट तो वहाँ पे भी है अच्छे अच्छे, लेकिन यहाँ वाले अमरूद अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लेना है निखिल। तो भैया से ले लिए अमरूद, यहाँ पे अच्छे अच्छे अमरूद हैं, भैया कह रहे हैं ये हल्के पिंक वाले हैं, देखते हैं मीठे हैं या नहीं, मैं देख लूंगी वो तो। अरे आप खा ले, क्योंकि कच्चा सा लग रहा है अमरूद, कच्चा नहीं है वो, सही देसी अमरूद आता है। आएगा मुझे ना गाइस, ये लुक कितना प्यारा सा है, वाओ, वो घड़ी बना रखी है एकदम गार्डन में, और वो देखो फाउंटेन कितना प्यारा, और ये वाला होटल तो माय गॉड कितना प्यारा है, हाँ बहुत स्मार्ट सा है ये तो। अच्छा शोका बिरयानी है इधर, हाँ मस्त है। तो घर पे आ गए सामान लेके, इतना सारा सामान और भारी भारी सामान लेके आए, ये देखो कितने भारी भारी सामान लेके आए, सामान लेंगे इतने मूर्ख बना दे बाप रे, इतना ठंड भी है। तो गाइस ये देखो कितना सारा सामान, ये देखो फिर वो देखो, कोई सामान नहीं। हाँ अभी हमारे पास ना एक गीजर तो लगा हुआ था, लेकिन दो गीजर, अभी सेकंड रूम में भी गीजर लेके आए हैं हम लोग। ये देखो नैनो कैसे कर रहा है, और तो गाइस बहुत ठंडा हो रहा है ना, मैं दिखाती हूँ कि जूते देखो हमारे कितने गंदे हो रहे हैं, नैनो दूर दिखाते हैं जूते कितने गंदे, बाप रे कितना कीचड़ हो रखा था वहाँ पे। अच्छा शूज पहन के गए थे, मैं तो अच्छा अपने नए वाले शूज नहीं पहन के गई है ना, प्रेस भी लेके आए, प्रेस तो बहुत जरूरी था, और ये बेल ऐसे किसने किए है अपनी मन मर्जी से, और बच्चों ने छिड़ा है ये बेल, देखो कैसे क्लियर कर दिया।